बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। पूरा विश्व जानता है ये बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है सुरक्षित है। महिला उत्पीड़न को लेकर डिंपल यादव अपनी बातों को रख रही हैं, बता रही हैं किस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं को सताया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है। आइए सुनते हैं डिंपल यादव किस प्रकार से महिलाओं को लेकर के अपना बयान दे रही हैं। वहीं आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से एक यादव जाति के लोग का इनकाउंटर किया गया था, जिसको लेकर अखिलेश प्रसाद यादव ने विरोध किया था और कहा था कि यह जानबूझकर सोची समझी साजिश है और यादव जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर भी डिंपल यादव ने अपनी बातों को रखा है। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार से डिंपल यादव जो है अपनी बातों को रख रही हैं और फर्जी इनकाउंटर करने वालों को किस प्रकार से सजा होगा, तमाम तरह की बातें जो है वो बता रही हैं, महिलाओं के साथ जो हो रहा है सभी चीजों पर अपनी बातों को रख रही हैं। सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं होगा। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि यार रोजगार नहीं है, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है ये बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती। तो आपने सुना किस प्रकार से डिंपल यादव जो है वो महिलाओं के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए बता रही हैं कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है और महिला इसका शिकार आए दिन होती है, जिसको लेकर डिंपल यादव ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखने की कोशिश की है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को